आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। सतना जिले के नागौद के नवोदय स्कूल के दो दर्जन स्टूडेंट्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह के नाश्ते में पोहा खाने के बाद बच्चे एक एक करके बीमार पड़ने लगे। अचानक दो दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब होता देख स्कूल प्रबंधन सप्ते में आ गया, जिसके बाद तुरंत उन्हें फर्स्ट एड किया गया। बच्चे जिनमें 15 बच्चियों की हालत सुधर भी गई, लेकिन 10 की हालत गंभीर देखकर नागौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने तत्काल इलाज शुरू किया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बाद में से डॉक्टर हीट स्ट्रोक भी बताने लगे, लेकिन अचानक इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की एक साथ तबीयत खराब होने की मुख्य वजह नागौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अब तक नहीं बता पा रहे हैं। साथ ही सभी छात्राओं को सतना जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां सभी बच्चों की जांच की जाएगी ताकि स्पष्ट हो सके कि बच्चों की तबीयत आखिर किस वजह से खराब हुई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और तबीयत में जल्द ही सुधार होगा। बीमार हो गए थे, इलाज हो रहा है, सभी लोग जितना हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एक्टिव है। मैंने SDM साहब से भी बात कर लिया है, कलेक्टर साहब को भी बता दिया है, CMHO को भी बता दिया है, और जितनी भी को जो करना चाहिए वो मैंने आग्रह किया इन्होंने कि वो सब करिए, और इसके बाद जब थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए थोड़ा, अभी तत्काल मैं शायद कहने जा रहा हूँ कि पता लगाइए कि क्यों हुआ था ये। अभी ऐसे जब बगैर रिपोर्ट के, बगैर सोचे समझे कोई चीज़ कह देना उचित नहीं होता है। फैक्ट्स आ जाने दीजिए, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा हो तो ठीक है, 7-8 बच्चे इकट्ठे हो, मैं भी जानता हूँ इतना, हमने भी कहा कि सर पता लगाएंगे सो क्या है, अब वो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। ठीक, इनका सबका सिम्टोमेटिक इलाज जारी है, अभी बच्चे एक एक करके आए हैं, 7-8 बच्चे आए हैं नवोदय से, तो सबको कुछ कुछ डिफरेंट सिम्टम थे, किसी को एक आध को हेडेक था, किसी को चक्कर आ रहा था, किसी को घबराहट हो रही थी, इस तरह थे। अब जांच के लिए रेफर करें, क्योंकि कोई क्लियर कारण हो नहीं रहा है, अपने यहाँ जितनी जांच संभव बन करा लिया है, उनका सबका ठीक था, किसी में कोई डिफेक्ट आया नहीं है, तो जांच के लिए जिला अस्पताल भेज के दिखवाएंगे क्यों हुआ ऐसा। सिम्टम अभी है नहीं, उस तरह के सिम्टम नहीं लगते हैं, फिर भी जाँच तो कराएँगे तभी कन्फर्म होगा।